दोस्तों, ये वाइपर लिंक असेंबली है जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में आपको वाइपर लिंक असेंबली के बारे में बताऊंगा। ये वाइपर लिंक असेंबली है जो कि सभी कारों में समान सी होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि इनके ये जो लॉक हैं ये लॉक्स टूट जाया करते हैं, या फिर यहाँ से लूज़ हो जाते हैं, या दूसरी प्रॉब्लम आती है इनमें जंग आ जाना और ये जाम हो जाना। ये फिलहाल देखिए, इसमें एक तीसरी प्रॉब्लम आती है यहाँ से इसकी ग्रिप्स का ख़त्म हो जाना। अगर ग्रिप्स ख़त्म हो जाएंगे आपकी वाइपर असेंबली तो चलती रहेगी, मगर आपका वाइपर रॉड नहीं चल पाएगा। मैं आपको इसके साथ ही नए में दिखाता हूँ। ये मेरी नई वाइपर लिंक असेंबली है जो आपको दिखा रहा हूँ, उसमें देखिए ग्रिप्स है, और पुरानी में देखिए ग्रिप्स बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो ये ग्रिप्स अगर साफ़ हो जाते हैं तो इस ग्रिप्स में अंदर नहीं बैठ पाता ये। दूसरा, देखिए इसमें एक लॉक लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये लॉक निकालने पर रोड से बाहर आ जाता है, इसके अंदर की ग्रीसिंग हो जाती है। तो अगर आप अपनी पुरानी में करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए देखिए लॉक बाहर ले लिया है, इसको आराम से निकाल लीजिए, उछल ना जाए वरना ये मिलेगा नहीं। बहुत बारीक लॉक है, देखिए। उसके बाद आप इसको बड़े प्यार से इस वॉशर को निकाल लीजिए। ये इस जगह पर जंग है, इसलिए पहले इसको एमरी पेपर से साफ कर देते हैं तो आसानी से निकल पाएगा। इसको साफ कर लिया हमने, उसके बाद ये जंग हट गया है इसका। इसके बाद ये वॉशर बड़े प्यार से निकल जाएगा। जैसे देखिए हमने वाशर भी निकाल दिया, अब इसको निकालना है। इसमें ये देखिए, हालांकि यहाँ तो ग्रीस था मगर इस जगह पर जंग आने की वजह से जाम हो गया था। तो जब भी आपका ये जाम हो जाए इसको इसी तरीके से साफ करें, और साफ करके इसको वापस ग्रीस करके लगा दें, आपका ये वाइपर लिंक असेंबली बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ये दोस्तों, मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें ग्रीस लगा कर
और उसको पैक कर देता हूँ वापस। तो कैसे लगाना है ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ग्रीस लिया है मैंने, ग्रीस सबसे पहले आप इसमें भी लगा दें और इसमें अंदर भी लगा दें। ग्रीस लगाने के बाद सबसे पहले इसका प्रेशर वॉशर डाल दें इसमें। प्रेशर वॉशर डालने के बाद इसको इसमें डाल दें, स्टेज ग्रीस जो एक्स्ट्रा ग्रीस है इसको उठा लें। ये देखिए बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ थोड़ा सा ग्रीस लगा सकते हैं। ये ग्रीस लगाने के बाद अब इस पर वापस वॉशर रख दीजिए। वॉशर लगाने के बाद ये जो आपका लॉक है इस लॉक को थोड़ा सा प्लास से प्रेस कर लीजिए। ताकि ये आसानी से फिट बैठ जाए। उसके बाद इसको लॉक में बैठने के बाद इसको वापस उठा करके देख लीजिए। ये आपका बिल्कुल फ्री है, आपका पुराना वाइपर लिंक असेंबली बिल्कुल फ्री और स्मूथ काम करेगा। ऐसा ही आप दूसरे वाले को भी कर लें। ये भी आपका जाम हो तो इसको भी इसी तरीके से कर लें, उसके बाद आप इसको फिटिंग कर दें। तो ये मैंने आपको बताया इस तरीके से वाइपर लिंक असेंबली को रिपेयर किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।